नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टॉक ऑफ द डे में। और आज हम बात करेंगे एक बैंकिंग सेक्टर का शेयर है कैनरा बैंक, जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा होगा, इसके बारे में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग बैंक है, यानी कि PSU बैंक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि जो भी डिटेल्स हैं शेयर मार्केट के रिलेटेड वो आपको मिलती रहें। चलिए बात करते हैं कैनरा बैंक के बारे में। मैं आपको टिकट टेप पे लेके चलता हूँ कि अच्छी प्लेटफॉर्म है किसी भी शेयर के एनालिसिस करने के लिए। ये जो लास्ट वर्किंग डे था, जो फ्राइडे का ये चार्ट है, और ये 2.40 रुपये बढ़त हुई, यानी 1.37% की, 177 रुपये पर बंद हुआ था, 171 का लो और 178 का हाई इसने बनाया था, यानी कि लास्ट डे जो रहा है इसका पॉजिटिव रहा है, 1.37% की इसमें ग्रोथ रही थी। और चेकलिस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जो इंट्रेंसिक वैल्यू है शेयर की अभी आपके सस्ते भाव में मिल रहा है, और जो यहाँ पे FD से ज़्यादा रिटर्न इसमें आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे रेड फ्लैग है, कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है। डिविडेंड यील्ड इसका इतना अच्छा नहीं है, हाँ, लेकिन एंट्री पॉइंट अभी अच्छा है, स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, आप इसमें बाई कर सकते हैं, और शेयर में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। अगर फाइनेंशियल की बात करें शेयर के बारे में, तो देखिए ये जो रेवेन्यू को इंडिकेट कर रहा है ये कलर, और ये जो कलर है प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है। 2018 में शेयर माइनस में था टोटली, 48% का रेवेन्यू था, बट जो प्रॉफिट है वो माइनस में था। 2019 में प्लस में था 0.60, ये 1000 करोड़ रुपये में है वॉल्यूम, और 2020 में फिर माइनस में, कोविड के कारण देखिए सभी कुछ माइनस में ही था, तो इस बैंक के भी हालात अच्छे नहीं थे। उसके बाद अभी 2021 में 2.89, यानी कि अभी पॉजिटिव में रिजल्ट आए हैं, और अभी शेयर की जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, बैंक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, तो अभी इसमें पॉजिटिव मोमेंट बना हुआ है। इसके अलावा देखिए, अगर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें शेयर की, तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा होल्डिंग पैटर्न है शेयर का। यहाँ पे देखिए जो होल्डिंग पैटर्न है, 62% का स्टेक प्रोमोटर्स के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 1.37%, और DIIs के पास 13% के लगभग की, और FIIs के पास 8.40% की, बाकी रिटेल और अदर इन्वेस्टर के पास है। देखिए इसमें एक अच्छी जो मेजर बात है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जून 2021 में जो स्टेक था FII का वो मात्र 3.92% का था, और अभी आप देखेंगे कि अगस्त 2021, यानी कि अभी लास्ट जो रिसेंटली जो स्टेक है वो काफ़ी पॉजिटिव इसमें रहा है, 8.40% की FIIs ने अपना स्टेक इसमें इंक्रीज किया है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव मोमेंट है, पॉजिटिव न्यूज़ है। तो देखिए जो पॉजिटिव न्यूज़ भी है, जो निफ्टी बैंक्स जो है उस पर RBI पॉलिसी जो आज अनाउंस हुई है रिसेंटली, यानी कि उसमें क्या इसका इन पे क्या असर होने वाला है, पॉजिटिव मोमेंट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव, वो तो आप देखने वाली बात है, बट कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए न्यूज़ है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी IMPS लिमिट जो बढ़ा के 2 लाख से 5 लाख कर दी गई है, और जो ब्याज दर है उनमें कोई कमी नहीं हुई है, रेपो रेट 4% पर बरकरार है, यानी कि कोई भी ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। आप न्यूज़ पे क्लिक करके पूरी न्यूज़ यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो देखिए कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, तो मे बी पॉजिटिव मोमेंट रहेगा शेयर मार्केट के लिए। दूसरा एक और न्यूज़ है, देखिए आपने देखा होगा जो बिलेनियर इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला, जो कि भारत के वॉरेन बफेट हैं, चाणक्य हैं, इन्वेस्टमेंट गुरु हैं, और उन्होंने इनके जो पोर्टफोलियो का जो Q2 है पोर्टफोलियो में, वो इनका जो स्टेक है अभी कैनरा बैंक में उन्होंने काफ़ी बढ़ाया है, एक नई यानी कि नई होल्डिंग इन्होंने बनाई है, और आप समझ सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग अगर इनके शेयर में इनके पोर्टफोलियो में अगर कोई बैंक आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं वो कितना पॉजिटिव होगा, उसमें कितने पॉजिटिव मोमेंट्स होंगे। तो ये भी एक न्यूज़ अच्छी है शेयर के लिए कि शेयर में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी वजह से सब FIIs भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, RBI पॉलिसीज भी अभी पॉजिटिव मोमेंट में है, और राकेश झुंझुनवाला जी भी इसमें स्टेक लिया है, PNB और कैनरा बैंक में दिख सकती है तेजी। तो ये CNBC आवाज़ की तरफ से भी कमेंट्री है कि
कैनरा बैंक में पॉजिटिव मोमेंट आने वाला है। और लास्ट वर्किंग डे की बात करें तो देखिए पॉजिटिव मोमेंट ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 1 ईयर का जो मैं चार्ट लगाता हूँ, देखिए पैंडेमिक सिचुएशन के बावजूद शेयर ने 97% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है आपको। 84 का प्राइस हुआ करता था, 183 तक ये अभी गया है। तो आप देख सकते हैं कि पैंडेमिक सिचुएशन के बाद भी शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंट था, पॉजिटिव रहा है, इसका जो रिटर्न है पॉजिटिव रहा है। इसके अलावा जो एनालिसिस टारगेट जो बता रहे हैं, BOB कैपिटल मार्केट जो कि 19/5/2021 का 165 का था, जो कि टारगेट मीट हो चुका है। और ये LKP सिक्योरिटीज़ है, 210 का टारगेट दिया है और बाइंग की रेटिंग है इनकी, अभी भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे देखिए मैं आपको दिखाऊंगा जितने भी एनालिसिस है सभी के टारगेट मीट हुए हैं। ये दौलत कैपिटल है, 95 का टारगेट ऑलरेडी मीट हो चुका है। ये देखिए 25/2020 का कमेंट्री थी, 108 का, 120 का, ये सभी टारगेट इसमें मीट हो चुके हैं। टिकट एप की फोरकास्टिंग की मैं आपको लेके आया हूँ। देखिए 13 एनालिसिस जो इसको कवर कर रहे हैं, 54% बोल रहे हैं कि आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए। और जो लेवल फोरकास्ट किए जा रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए काफ़ी बढ़िया लेवल यहाँ पे, 208 रुपये के लेवल यहाँ पे, यानी कि अक्टूबर 2022 के लिए अगर करंट प्राइस में कंपेयर करता हूँ तो ये 70% से ज़्यादा का है, 17% से ज़्यादा का, यानी कि 17 पॉइंट, लगभग 18% का आपको इसमें रिटर्न मिलने वाला है। 17-18% का इसमें आपको हाइक मिलने की प्रोबेबिलिटी है। और जहाँ तक जैसे कि अभी इसके जो पॉजिटिव मोमेंट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम इसको लगेगा, ये इससे पहले ही इसको जो टारगेट को है मीट कर लेगा। तो शेयर काफ़ी अच्छा है और आप इसमें बिल्कुल अपनी खुद की एनालिसिस करें, एक बार इसको देखें। देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले केवल मेरे वीडियो से या किसी भी यूट्यूब वीडियो से आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करें, ज़रूरी है कि खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर लीजिएगा, उसके बाद ही किसी शेयर में एंट्री कीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, एंजल ब्रोकिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि 1 ईयर के लिए मेंटेनेंस फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करिएगा और आज ही अपना अकाउंट ओपन करिएगा और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कीजिएगा। तो ये थी जानकारी कैनरा बैंक के बारे में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कर इंक्रेज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।